वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम फ्लाइट से फ्लाई सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर 3000 ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं थोड़ा क्या नर्वस हूँ कि बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, कैसे मैं आपसे बात करूँगा। ऊपर से मेरा माइक जो है वो भी उसका जो स्टैंड रहता है वो टूट गया, और यहाँ पे गोरिल्ला पॉड में पकड़ नहीं सकता, इसलिए रॉ मोबाइल से व्लॉग कर रहा है। मोबाइल का ही ये जो माइक है उससे जो आपको आवाज़ आ रही है वो वहीं से आ रही होगी। वैसे मोबाइल भी बढ़िया ही अपना, लेकिन वो माइक होता तो अच्छा रहता, फिर देखते क्या होता है। आपको बता दूँ, मैं इंडिगो से फ्लाई करने वाला हूँ। मैंने अभी तक अपना बोर्डिंग पास लिया नहीं है, मैं वहाँ जाके बोर्डिंग पास ले लूँ। फिलहाल मैं हूँ अहमदाबाद में, हाईवे पे हूँ, CNG भर रहे हैं गैस। हमारे फ्लाइट का टेक ऑफ है 2:15 को, और हमें 1 आवर 15 मिनट्स में हमें वहाँ पहुँचा देगा फ्लाइट। फर्स्ट टाइम है फ्लाइट का, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे तो अच्छा ही रहता है मैंने सुना है, और ऊपर से मेरा जो माइक का है वो स्टैंड रहता है वो भी टूट गया है, तो आवाज़ में शायद थोड़ा सा ये हो सकता है कि कम आए आवाज़। फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ ये कहीं मिल जाए। तो बाय द वे थैंक यू फॉर 3000 सब्सक्राइबर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू। पीछे टेस्ट ड्राइव चल रहा है टिगोर CNG का, ले लेते लेकिन अभी टाइम नहीं है फिलहाल अपने पास। बता दूँ, ये कैब मैंने मेक माई ट्रिप से बुक की है, तो मुझे इसके लिए मैं फ़्लाइट के लिए मुझे कितना पे करना पड़ा वो भी मैं आपको बताऊँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट चल गाइस, हम एयरपोर्ट पे इंटर कर चुके हैं और अभी हम बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं अपना इंडिगो का। चलो चलते, बोर्डिंग पास निकलने जा रहा है, यानी कि राजेश सुरड़कर मेरा नाम, एक बैग अपना चेक-इन के लिए। सो देखते अभी होता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम में तो प्रोसेस नहीं हुआ था, वो तो जाना चाहिए। चलो हो गए, इस वेट बता रहे हैं सर, नहीं होगा काउंटर। हमारा मशीन से तो नहीं हुआ बोर्डिंग पास, काउंटर से कराना पड़ रहा है, तो भी काउंटर चलते हैं और करा लेते हैं। ये इंडिगो का चेक इन और बैग लगेज के लिए यहाँ से जाना पड़ता है। गाइस, बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, बैग भी मैंने चेक इन वगैरह सब करवा लिया है। गेट नंबर 2 से हमारा टेक ऑफ है, सो अभी जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी हो चुका है, मैं नंबर 2 से अपना बोर्डिंग है। फिलहाल अपना 2:30 का फ्लाइट है, तो मैं जल्दी आ गया हूँ। यहाँ पे सामने 3 बड़े बड़े प्लेन देख रहा हूँ, इतने पास से लाइक पहली बार देख रहा था। सामने अक्सा एयर की फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रही है, फर्स्ट टाइम देखो देख रहा हूँ लाइक फ्लाइट से मैं। ये इंडिगो, ये तो अपनी है, मैंने अभी अभी चेक किया है कि यहाँ पे KFC है फर्स्ट फ्लोर पे, सो KFC तो अपना फेवरेट है, ट्राई करना तो बनता है। चलो चलते हैं। ये तो हमने ऑल चिकन बॉक्स लिया है KFC से, सो यहाँ पे ना प्राइजेस थोड़े हाई है, लाइक एयरपोर्ट है शायद, इसीलिए ये मुझे 260 का मिला। बाय द वे इसका प्राइस नॉर्मली 160 रहता है, तो और बहुत सारे आइटम यहाँ पे नहीं भी मिलते हैं। ये अपना ऑल चिकन बॉक्स और 260 का, लाइक बहुत महंगा है, मुझे तो बहुत महंगा लगा ये। हाँ, सो अडानी सैंपल करके कुछ दे रहे थे फ्री में, QR कोड स्कैन करना था और OTP वगैरह डालना था, तो मुझे ये मिला है, लाइक देख सकते हो आप। अभी अपना फ्लाइट का टाइम है, अभी थोड़ा एक आधा एक घंटा ही बचा है, बैठते हैं और सीधा
लैंड कहाँ करेंगे मैं बता देता हूँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1 में हम लैंड करेंगे, लाइक विले पार्ले सांता क्रूज, वहाँ से फिर अपना भांडू पाना पड़ता है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ ये फ़्लाइट का मुझे कितना चार्जेस पे करना पड़ा और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो 1049 रुपीज़ की ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है। मैंने ये स्काई स्कैनर नाम के एक ऐप है जहाँ पे ना बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, मैंने वहीं से बुक की है। आप भी वहाँ से कर सकते हो बुक, लाइक सेफ़ है, ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी देखे थे लेकिन बाकी सब तो ठीक ही था। और सिक्योरिटी चेक तो अपना हो गया मैंने जैसे आपको बता दिया था, बाकी ईजी है, मतलब बिगिनर हूँ मैं, लाइक फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ समझे नहीं आपको, ये नॉर्मल सी चीज़ है, बस जाना है, बस आपको पढ़ने आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो फिर क्या इजी हो जाता है आपके लिए। किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से जाओ कहाँ जाओ, सब लिखा हुआ रहता है, बोर्ड बैनर सब रहता है यहाँ पे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, अभी मैं KFC का ऑल चिकन बॉक्स खाया, प्राइजेस थोड़े हाई लगे मुझे, लाइक 260 का ऑल चिकन बॉक्स, मतलब 160 में हमारे नॉर्मल लाइक रेस्टोरेंट्स में मिल जाए। अभी एयरपोर्ट के चार्जेस रहेंगे कुछ, क्या पता हिडन चार्ज कुछ रहेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली में, मतलब पॉपकॉर्न बॉक्स एक रहता है वो मेरा फेवरेट रहता है, क्लासिक जिंगर प्लस पॉपकॉर्न वाला, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं है ना, मोई तो था उसके पास तो पेप्सी पीनी पड़ी। तो अभी वेट करते कब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और चलते, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च करके है, लॉन्च में आप जा सकते हैं, फ्री एक्सेस रहता है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको वहाँ पे खाना भी मिलता है और वहाँ पे आप जाके आराम कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ बाहर भी जिनके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल मेरे जैसे बंदे हो, यहाँ पे बाहर भी बहुत अच्छी है जगह बैठने के लिए टाइम पास, यहाँ से पीछे के प्लेन ऐसे उड़ते हुए आप देख सकते हो। चलो चलते, इसके पहले वाला जो भी रिकॉर्ड किया था वो मैंने बटन ही दबाना भूल गया, उसकी वजह से गया, क्या ही कर सकते हैं, अभी जो होना है वो गई। गाइस बोर्डिंग चालू हो चुकी है तो अभी जाके बोर्ड करते हैं फ्लाइट। चलो सो गाइस ये यहाँ पे हमें बोर्डिंग करना है और ये जा रही है लंबी लाइन, तो चलो चलते हैं। प्लेन खड़ा है, लाइन भी बहुत है, वहाँ से हमें चेक इन करना होगा। और हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं, 38 हम अपना लास्ट में सीट है एकदम, आज प्लेन में कुछ ज़्यादा ही रश है इसकी वजह से हमें लास्ट की सीट मिली, क्योंकि अलग अवेलेबल भी नहीं थी विंडो सीट, तो हम अभी साइड के में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। सो अभी टाइम एक्चुअली ये टाइम से बहुत लेट चल रही है, 2:30 का इसका बोर्डिंग टाइम, सॉरी 2:30 का इसका टेक ऑफ टाइम था, लेकिन अभी तक ये यहीं पे खड़ी हुई है, शायद ऊपर। कृपया ध्यान दीजिए अब आपकी मुख्य कर्मचारी को हम हिंदी अंग्रेजी और नेपाली बोल सकते हैं, धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, it's simply wonderful to fly you on flight 6E5274. We will take 50 minutes to reach Mumbai. In the cabin are... I beg your pardon? Take the life jacket placed in a pouch under your seat and slip it over your head. Secure the strap around your waist with a buckle. Pull the red tabs or tab to inflate or blow into the manual inflation tubes or tube. बैग हमने ले दिए,
अभी एग्जिट करते हैं। टर्मिनल वन पे हम आए हैं, बैग भी हमारी बहुत जल्दी मिल गए हमें ये, तो बाहर निकलते हैं और एक फिर बात